सिवान में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सिवान से 14 किलोमीटर दूर स्थित जीरादेई बापू के पैतृक आवास पर लगे प्रतिमा पर बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी और जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, एमएलसी विनोद जायसवाल सहित तमाम राजनीतिक दलों के लोगों और पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि पर्यटन स्थल बनाने के लिए हम लोगों ने चंद्रशेखर जी के समय में एक पत्र लिखा था, लेकिन वह पत्र आज तक कहां गुम हो गया यह पता नहीं चला। केंद्र की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो ऐसे ही स्पीकर हूं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं सिवान का हूं और सिवान का विकसित करना मेरा मकसद है। तो सुनिए बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। मैं जीरादेई में एक बार नहीं, बहुत बार मैं आया करता हूं। चाहे मैं एमएलए रहूं, चाहे मैं स्पीकर नहीं रहूं, चाहे मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में जीरादेई को भी मैं दर्शन करता रहा हूं और अपने निवास स्थान पर भी इनके जयंती को खूब धूमधाम से मैं मनाने का काम करता हूं। आज भी 12 बजे से मैं अपने यहाँ मनाऊंगा। देखिए, ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित है और आज से नहीं घोषित है। ये जो केंद्र में चंद्रशेखर जी बाबू की सरकार थी, बीपी सिंह जी थे, उस जमाने से राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। अब न जाने कि स्मारक घोषित तो हो गया और समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री और बीपी सिंह जी जो महान नायक थे, उन लोगों ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। लगता नहीं है कि केंद्र सरकार के यहाँ वह पन्ना कहाँ भूल गया है, अन्यथा यह राजेंद्र भूमि को राष्ट्रीय स्मारक के जो घोषणा के बाद जो यहाँ काम होना चाहिए, हम दूसरे रूप में अगर कुछ काम हुए होते तो देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो एक स्पीकर हूँ और आज के परिस्थिति में मैं तो एक संवैधानिक पद पर बैठाया गया हूँ और मुझे मेरे मन में सत्ता उतना ही उनके प्रति उतनी ही दृष्टि हमारी होगी जितने विपक्ष के जो साथी होंगे उनके प्रति। लेकिन चूंकि मैं सिवान के रहने वाला हूँ, यह राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोग राजेंद्र बाबू से ही पूरे देश दुनिया में